हेलो दोस्तों, आज हम जिला बिजनौर तहसील धामपुर अफजलगढ़ कादरा शहर में आ चुके हैं, जहां एक हमारी माता श्री पथरी की दवाई, मतलब चाहे गुर्दे में हो चाहे पित्ते में हो, और रसोली की भी दवाई बिल्कुल फ्री दवाई है, जिसका इलाज है गुर्दे में 4 दिन में पथरी निकल जाती है और पित्ते में 22 दिन में, और रसोली की भी दवाई है इनके पास। और काफ़ी दूर दूर से संगत आ रही है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई और बाहर विदेशों से भी आती है, और आज हम इनके पास आ चुके हैं। आओ आज उनके ही मुँह से सुनते हैं, वही हमें बताएंगे इस चीज़ का क्या इलाज है, कैसे करती हैं, कितने साल हो गए हैं। और आप वो जो भी मेरे भाई बहन इस रोग से पीड़ित हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और आगे भी शेयर करें, ताकि जो भी मरीज़ जितने भी परेशान लोग हैं इसे देख के ठीक हो पाए। सत श्री अकाल माता जी। माता जी, आज दोदे को आए, असी बहुत ज़्यादा सुना है भाई इतू भी दवाई पथरी दी में हो, मुझे इस चीज़ की दवाई है, ये आपसे पता करना चाहते हैं हम कि इस चीज़ का क्या इलाज है, कैसे दवाई देते हैं, कितने साल हो गए आपको करते हुए? आपको हमारे ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा जी। हाँ, हम 7.5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 7.5 साल से ये सेवा शुरू हुई है। अच्छा, 1907 से? हाँ ना, इसमें। अच्छा, 2007 में। अच्छा, 2007 में जनवरी में। अच्छा जी। सबसे पहले पित्ते की पथरी निकली है। अच्छा। हाँ, पित्ते की ठीक है। हाँ, पित्ते की पथरी निकली है जिस मरीज की, वो औरत सी हमारे गांव की, हमारी जिठानी सी की। अच्छा। इसका रसोली है, इसकी अच्छा भी ले लो। अच्छा, रसोली की भी दवाई है आपके पास? ठीक है, दवाई आए है। अच्छा। हाँ, ये बेटा सेवा करते हैं, ऊपर वाले वालों है। अच्छा जी, सेवा करते हो? सेवा करते हैं। अच्छा जी। सानू पैसा कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें प्रसाद का देना दो, नहीं देना मत दो। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो बिल्कुल फ्री दवाई है, पित्ते में हो चाहे गुर्दे में हो और रसोली की भी। सर में हो, साथी में हो, बच्चेदानी में हो, गांठ हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कुछ भी हो। हाँ जी, वो ऊपर वाले की कृपा से साफ है। हाँ जी। हाँ, हमें कोई लालच नहीं, ठीक होने जहाँ पर मैदान, जहाँ तुम्हारा माना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हमें कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है जी। हाँ, और यहाँ काफी संगत आती जाती रहती है, और जो भी है माता जी ये सेवा में लगी हुई, ऊपर वाले की कृपा है इन पे। तो आजकल पित्ते की दवाई कहीं नहीं मिलती, ऑपरेशन ही होता है, पर यहाँ पित्ते की भी दवाई है, रसोली की है, बच्चे रसोली की है, पीलिए की गारंटी का इलाज है, और काले पीले की भी दवाई है इनके पास। हाँ। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन इस रोग से पीड़ित हैं, वो यहाँ आए और इस दवाई को लें, ताकि वो रोग से ठीक हो सके। और माता जी, ये कहाँ कहाँ से आते हैं दवाई लेने के लिए? दवाई लेने के लिए पंजाब से, बॉम्बे से, हरियाणा से, अमृतसर से, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर। अच्छा, काफी दूर दूर से आते हैं। और अमेरिका में भी चली गई, हमने सुना है अमेरिका, कनाडा के भी आ चुके हैं। अच्छा जी। हाँ जी दोस्तों, देख ही रहे आप, अमेरिका कनाडा से भी आ चुके हैं दवाई लेने के लिए यहाँ से। तो जो भी मेरे भाई बहन पीड़ित हैं, वो कृपा करके आए और दवाई लें और ठीक हो के जाएंगे यहाँ से। अच्छा, एक ये माता श्री है, इनके पेट में रसोली थी? मेरे पेट में थी। अच्छा जी, कितना टाइम हो गया? हो गए 8 साल। हो गए 8 साल हो गए, बिल्कुल आप ठीक हो गए, ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा? कुछ नहीं, कहीं मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, चली गई थी, भर्ती हो गई थी जाकर हॉस्पिटल में। अच्छा, 35,000 रुपए दे के भी ना मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं दुबक गई थी। अच्छा, जैसे वे थे ना बर्तन मिट्टी के जो बनावे, हाँ जी, उनके कुम्हारों के। अच्छा जी, जो सामान रखा रहे तो उनके पीछे दुबक गई थी। ठीक है। फिर मेरे पास 5 रुपए थे ना, उन्हीं 5 ही रुपए से मैं रक्षा में गई अपनी लड़की के यहाँ। अच्छा जी। फिर मैं अपने घर आ गई। अच्छा। फिर मैंने इनसे दवा ली और बिल्कुल ठीक हो गए। मैं बिल्कुल ठीक। तीसरी आंख खुली है, मैंने भगवान मिले हुए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कोई चोरी नहीं, मैं किसी तो डर दी नहीं। हाँ जी, मैं चोरी नहीं रख दी, मेरा 10वां द्वार खुला है, मेरी सुरती ऊपर चढ़ी हुई है, जो मेरे साथ गलत प्रयोग करेगा उसनु सजा खुद देगा, ऊपर वाला। बिल्कुल, ऊपर वाला देगा। हाँ जी, मेरा मन साफ है, मैनु मरन तो कोई डर नहीं लगता, ना मैं किसी को गलत दवाई देवा, जहर कोई मिला देगा तो मार देगा, मेरा नाम बदनाम होएगा। हाँ जी। मेरे गुरु ने मैंने समझाया है, खाने पीने को कुछ नहीं देना। अच्छा, मैं किसी को हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बहू आए, बेटी आए, बुढ़ा आए, बुजुर्ग आए। हाँ जी। जे वो चाहता कि मैंने किराया मेरा लागे, मैं किराया देने तैयार हूँ। अच्छा जी। हाँ, जे कोई आता गड्डी का किराया मांगता ना, भी
ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਤੀ ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਦੇਤੀ ਤੋ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਪਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਿਕਲੂਗੀ ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਮਕ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਬੋਤਲ ਪਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਉੱਚਾ ਡਾਣ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਮਕ ਰੱਖਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਰਸੋਲੀ ਦਾ ਰਸੋਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਸੋਲੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਲੀ ਗਾਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰ ਚ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਆ ਵਾ ਗਲੇ ਚ ਸਾਤੀ ਚ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਪੁਰ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅਫਜਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਮਪੁਰ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਧਾਮਪੁਰ ਹਾਂ ਅਫਜਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਮੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਮੇ 10ਵਾਂ ਗੇਟ ਹੈ ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਗੇਟ ਔਰ ਇਸਕਾ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ